जरा हम एक गुफ्तगू के सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो ये सवाल नहीं है हमारे प्रोग्राम में आज। अब हम आपको बताना शुरू करेंगे कि हमने, और कौन पहले बताएगा प्लीज, अनवर साहब चूंकि हमें लीड कर रहे थे हमारे ग्रुप को, हर मुश्किल काम मेरे जिम्मे, बड़ा चैलेंजिंग काम था हमें लीड करना, हम सारे हम बाकी पांच को साथ चलाना। तो मुझे सुनहरा खान ने काफ पॉइंट, बड़ी मुश्किल से एक डर भी था, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम इकट्ठे थे, नहीं वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बड़े अच्छे से एक फील्ड में, लेकिन इस ट्रिप में जितना हमें एक दूसरे को समझने का परखने का मौका मिला, ये बड़ी अच्छी याद होती है। यकीन जानिए वसीम 2001 से हैं, मैं 98 से हूँ, हमें इस ट्रिप में इतनी एक दूसरे के बारे में पता चला, इतनी ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री मिलती थी। इस ट्रिप में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि हम सब लाइक माइंडेड लोग थे, किसी ने एक दूसरे को इरिटेट नहीं किया, हमने बड़ा इंजॉय किया, खुल के बातें की, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ हमने मजाक भी किया और इंजॉय किया इस ट्रिप को। और आप देखें ना, मरियम थी, मरियम बड़े शाय थी पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा, मरियम को पता चल गया, मरियम को पता चल गया कि ये सब हम एक ही हैं, यहाँ कोई वो नहीं है कि कोई आपने खबर ब्रेक करनी है। बिल्कुल। तो शम्स को आपने देखा कभी गुस्से में, कभी ये नरम और गर्म दोनों इनका देखा। वसीम ने इस पूरे ट्रिप में सवाल है किसी को बोलने का मौका दिया, बड़ी मुश्किल से आज बोले, आज आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, आज तुमने खुद आज माइक प्रेजेंट साहब के पास, और वसीम की वजह से नाज़रीन के लिए भी हम हंस हंस के सारे लोट वोट हो रहे होते थे, कहके लगा रहे होते थे। और इंटरेस्टिंग बात जो नाज़रीन तक मैं चाहूंगी, वसीम आप भी इसको जरूर इस पे चिप इन करें, जो हमने वहाँ पर जो चीज़ें देखी और जितनी सिमिलैरिटीज़ हमने देखी कल्चर के समेत लैंग्वेज के लिहाज से, कि हमें एक परसेप्शन हमारे माइंड में था ईरान के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, और जो हमने वहाँ पर विटनेस किया, वसीम स्पेशली बहुत ज़्यादा इस कॉन्वर्सेशन को लीड करते थे कि हमारे तर्जुमा करके हमें बता रहे होते थे, बस दफा कभी ऐसे मकसद आपको महसूस करना था। वैसे ईरान का दौरा वाकई में एक बहुत यादगार दौरों में से एक है, मैं 15-16 मालिक में गया हूँ, लेकिन इस तरह दोस्तों के साथ इकट्ठे जाने का बहुत कम मौका मिलता है और वो बहुत ही मेमोरेबल सफ़र होता है, तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो ईरान हम जा रहे थे तो हमारा ख्याल था कि पाबंदियों का शिकार एक मुल्क है जो कि पता नहीं एक डेजर्ट है, एक बड़ा गर्म मुल्क है, और वहाँ पर पता नहीं क्या सहूलियात होंगी, लेकिन वहाँ जाकर हमें बड़ी सिमिलैरिटी का एहसास हुआ। 50% तो हमारी ज़बान मिलती है, मुझे तो यूँ लगा जैसे हम ना अपने मुगल दौर में वापस पहुँचे हैं, कोई 300-400 साल पुराने, हर चीज़ पे फारसी इबारत लिखी हुई है, लोग फारसी में बात कर रहे हैं, बड़े अदब अदाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सदर साहब ने वहाँ पर डिस्कवरी की कि सिर्फ अदब अदाब से ही बात नहीं कर रहे बल्कि एक इमामज़ादा की बहर में एक गाली है वो भी गाली किसी और ने दी, हमारे मेहमान ने दूसरे को दी, सदर साहब ने फौरन भांपा रिपीट करते हुए कि ये जमीन गुस्से में है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, फारसी में गुस्से में आपको पता चला, उन्होंने कहा गाली गाली होती है, तो उनकी गालियां भी हमारी अपनी जैसी लगती थी, कारपेट्स भी हमारी अपनी जैसी, बाजार अपने जैसे, लोग अपने जैसे, शक्लें हमारी इतनी मिलती थी कि लोग हमसे पर्शियन में बात करते थे और लोग समझते थे कि हम वहां से आए हैं। शम्स को ये गिला रहा है कि उन्होंने रियायत नहीं की हमारे साथ, उनके शॉपकीपर ने जो पाकिस्तानी की मोहब्बत करते हैं, हाँ हमारी एज अ नेशन साइकी है हमारी, हम लोग चाहते हैं रियायत के लिए बार्गेनिंग के लिए कर लेते हैं, वो बार्गेनिंग तो आपने बहुत अच्छी की ना, तो आप देखें मैंने आपको कितनी रियायत दी। इकोनॉमी कवर करते हैं, तो बार्गेनिंग आप किस हद तक वहाँ पर कामयाब थे करने में? आई थिंक हमारा तो कल्चर है, हम हर लेवल पे करने की कोशिश करते हैं आना इस तरह, हाँ लेकिन 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 वहाँ शायद आई थिंक सो के वहाँ कल्चर है, हाँ हर लेवल पे इस लाइक अवर कल्चर, यस, लेकिन लेकिन वहाँ इवन वो भी साथ जो थे वो भी इनकरेज नहीं कर रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन सक्सेस मेरे ख्याल में एक दो दफा हुई, लेकिन एक दो दफा बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और वहाँ से मरियम मैं चाहूंगी आप भी बताएं कि जिस तरह जो इंटरफेथ हार्मनी हमने देखी, मतलब वो नाज़रीन के लिए भी कि वहाँ पे उनकी चर्च हो और जिस तरह से उनको उसको बनाया गया, उसका आर्किटेक्चर हो, और हमें बताया भी गया था कि जी उसको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश से बचने के लिए बाहर से उसको बनाया इस तरह से जाता था कि वो बाहर से एक मस्जिद का मैं बिल्कुल सच कहूँ, लाइक ऑनेस्टली जब हम लोग अभी गए नहीं थे तो, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया पे या मीडिया पे देखते हैं ईरान के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूज़ होती है वो नेगेटिव होती हैं, तो दिमाग में बेशक हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव किस्म का परसेप्शन था, एक फियर सी थी कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन जब हम वहाँ गए और जिस तरह का उनका कल्चर था, या पहली जो मेरी वहाँ पे जाके पहला जो शौक था हमें वो ये था कि एक तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी हमारे ही जैसी, फिर वो लोग जो हमें बताया गया था कि बहुत सख्त होते हैं या शायद बहुत
वहाँ पे कंजर्वेटिव किस्म का माहौल होगा वो हमें नहीं मिला. सेम लाइक आर्स इसी तरीके से था, सब लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, आपको की तरफ वेलकमिंग उनका एटीट्यूड है. दूसरी बात ये थी कि उनके जो वहाँ पे उनका अपना जो हेरिटेज है उन्होंने उसको प्रिजर्व तो किया हुआ है, लेकिन ईरान के बारे में जो मुझे आज तक का डेटा मिला था जाने से पहले जैसे थोड़ा पढ़ा था उसमें यही था कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान हैं और कोई और मज़हब के लोग नहीं हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे तो सभी हैं. सेम लाइक आर्स शायद हमारे यहाँ वो इतने अच्छे हालात में नहीं भी रह रहे होंगे, लेकिन ईरान में तो वो काफ़ी अच्छे हालात में ही वो लोग रह रहे हैं. क्रिश्चियन थे, ज्यूज थे, और उसके बाद आर्मेनियंस की जो हमें एक कम्युनिटी थी जो जुल्फा एरिया था उनका जहाँ पर वो सारे बसे हुए हैं वहाँ पर रुकिंग अब्बास वन ने जिस तरह से उनको सेटल किया वहाँ पर. और अदर देन डैट आप सबने भी देखा मैंने भी कि ईरान ने किस तरह से अपनी हिस्ट्री को मेंटेन किया हुआ है और ईच एंड एवरी पर्सन नोज कि उनके हीरोज कौन हैं, उनके मुल्क में किस किस ने क्या किया. तो मेरा वहाँ पे और जो हम परसेप्शन की बात करें हमारा एक परसेप्शन था, उनका भी जो परसेप्शन था हमारे और हमें जो नजर आया वो जरा बताएं नाजरीन को, और हम किस हद तक उनको बताने में अपने मुल्क के हवाले से बताने में कि मतलब इवन हमारे प्रोविंसेस में सर्टेन प्रोविंसेस में वो समझ रहे थे कि जी हुकूमत ही नहीं है वहाँ पर. एग्जैक्टली. अच्छा मैं आपके भी वहाँ पे जो एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है तो आई वॉज लुकिंग एट यू जब वो एक बलोचिस्तान के हवाले से हमसे न्यूज़ रूम में एक सवाल हुआ और तेहरान टाइम्स अब अच्छा खासा इट्स वाइडली रेड और द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी, अच्छी खासी उसकी अंडरस्टैंडिंग है मैटर्स पे. बट एक झटका सा लगा था मुझे भी, अलीना को भी, बाकी सारे, कि जब वहाँ पे उनके एडिटर इन चीफ ने सवाल पूछा कि सिंस यू कवर डिफेंस वगैरह शायद कुछ ऐसा गालिबन सवाल था, बॉर्डर्स पे क्या सूरत हाल है, क्या वाकई आप लोगों की तरफ से इतने दहशतगर्द जाते हैं या वो, और क्या बलूचिस्तान आपके मुल्क का हिस्सा है. तो उधर वी गॉट द आइडिया कि जो चीज़ें पाकिस्तान से डिसेमिनेट होनी चाहिए टूवर्ड्स नेबर्स वो नहीं हो रही हैं, एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई जा रही. तो जब हमने तफसील में बताया और फिर हमने आखिर में एक हल्का सा उनको कहा भी कि अगर आप एक पॉलिटिक्स जैसा शोभा कवर कर रहे हैं न्यूज़ एजेंसी में तो आपको पाकिस्तान के ऊपर एक इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने अलखानी दौर को, सलजूकी दौर को, ससनी दौर को और सफवी दौर को इतनी डिटेल के साथ उन लोगों ने प्रिजर्व किया है कि एक लम्हे को मुझे दुख भी हुआ कि हमारे पास भी कमी नहीं है, हिस्ट्री की कमी नहीं है, मगर हम उसको क्यों नहीं मौका देते पनपने का. द सेकंड थिंग जो कि हमने एक होटल था वहाँ पे, इंडियन होटल था इन तेहरान जहाँ हम चाय की तलाश में गालिबन गए थे, एंड वी सॉ दैट कि उनके हर रेस्टोरेंट के अंदर उनके जो जितने भी रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, हाफिज हो, सादी हो, एवेसिना हो, फिरदौसी हो, या किंग्स के नाम ले तैमूर हो, इनके हुमायूं हो, इनके मुजस्मे लगे हुए हैं और सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही प्लेट्स लगी हुई हैं एवरीवेयर. तो यानी आपकी एग्जैक्टली यानी आपकी यूथ आके अगर वहाँ पे एक कप चाय भी पिएगी ना तो दे विल हैव दैट इनडायरेक्ट कनेक्शन, पढ़ेंगी तो ज़रूर ना, तो दे विल नो हमारा सफ़र क्या रहा है. दैट्स वाई दे आर प्राउड टू बी इरानियंस चाहे कुछ भी. बिल्कुल सही कह रही है. और नाज़रीन को भी बताते चलें कि नेशनल उनके जो म्यूज़ियम था उसका दौरा किया आपने, हाँ. मिलाद टावर का दौरा किया, एक उनका बड़ा खूबसूरत बुक गार्डन था, बहुत ही हसीन तरीन, और वो हम नाज़रीन को अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि उनके जो उनकी लोकेशन है वहाँ पर और जिन जिन जगहों का हमने दौरा किया, और वहाँ पर अनवर साहब जो खाने थे वहाँ के हमने बड़े इन्जॉय किए. हमें हमसे पूछा जाता था कि आप लोग फास्ट फूड खाएंगे या क्या खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो हम कहते थे नहीं हमने यहाँ के लोकल कुजीन ट्राई करने, हमने ईरानी खाना खाना. आपने सवाल गलत जहाँ जितने खाने वसीम ने खाए और मैं कहता हूँ एंजॉय नहीं किया. जो फेवरेट खाना था शिश कबाब राइस थे आप देखिए चिलुक बाब मुझे तो ये बात जिन्हें लायक था ऊपर चिली मिली और मैंने बड़े अच्छे थे उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक फूड दोनों हाथों से ग्रैब किया और देखेंगे आपके ऑर्डर भी मैं देता था. लेकिन अच्छा था, देखिए फूड बहुत अच्छा था, कल्चर और सब वो जो हम बात कर रहे थे कि जी हमारे माइंड में क्या था, क्योंकि हम सभी पहली दफा ईरान का दौरा कर रहे थे और हम इस्फहान भी गए, हम कुम भी गए, तो हमने बड़ी उनकी जगह एक्सप्लोर की और रिलीजियसली भी बीबी मासूमाए कुम के रोजे पे भी जाने का हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए.
वहाँ पे भी आपने शॉपिंग की, हम आपको ढूंढ कर रहे ड्राई फ्रूट शॉप पे, ड्राई फ्रूट शॉप आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉपिंग किसने की? उसके बाद मरियम ने, फिर वसीम ने, फिर आपने, हमने शायद अपनी तरफ से सोचा था वो जो मिठाई के डिब्बे जो ईरानियन गज है जी, गज ईरानियन गज की मुझे खूबसूरती ये लगी कि इवन ईरान में रहने वाले आर स्पेशली ट्रैवलिंग टू हैव दैट इस्फहानी गज। बिल्कुल। और हम अपनी तरफ से 10 10 15 15 डिब्बे लाए, पैकेट्स अलग लाए, चॉकलेट्स अलग लाए, वो कम पड़ गई है, वो कम पड़ गई है। वो कम पड़ गई है। आपको लगा डिफरेंस और महंगा है या बहुत? देखिए एज अ होल ईरानियन जो मार्केट है, जाहिर है वो एक्सपोर्ट्स भी वहाँ कम है और ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसके अंदर कम्पटेटिवली मैं कहूँ कि कंपैरिजन अगर पाकिस्तानी मार्केट से करें तो वहाँ मेरे ख्याल में ज्यादा कम्पटेटिव अच्छी प्राइस मेरे ख्याल में आ रही थी, और एज अ होल मार्केट जो है वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है होता है हमारा वो करने का। उसके बाद एज अ होल आप मार्केट में आप देखें चीज़ें भी आई थिंक स्टैंडर्डाइज थी, लेकिन आई थिंक थ्रू इलीगल ट्रेड या जो भी था उसके थ्रू मार्केट्स में चीज़ें तो यूरोप की भी, इवन आपको फ्रांस की आपको मुख्तलिफ चीज़ें, इवन आपको परफ्यूम्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन विद इन डैट ईरान की इकानमी में ये अगर चेंजेस अगर मैं देखूँ कि ईरानियन इकानमी का इंटरनली उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की है मुख्तलिफ साइज, इवन फार्मास्यूटिकल देखेंगे, इवन आप मुख्तलिफ उनकी लाइक कपड़ा, कपड़े का भी तकरीबन उनका अपना मेजर अच्छा ही था, उसके अलावा साइंटिफिक इन्वेंशन मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने अपनी प्रोडक्शन उनकी बड़ी अच्छी रही, और उन्होंने उनकी अपनी फार्मास्यूटिकल में कितना ये और इवन एग्रो, एग्रो में उन्होंने और बाकी उनका अपना कुजीन आप देख लें जो प्रेसिडेंट साहब से आपने कंस्ट्रक्शन में जो सरिया है बिल्कुल लाइट वेट है। और ईरानियन की हमारी एक परसेप्शन थी कि ईरानियन लाइक हम पाकिस्तानियों का आमतौर पे होता है कि जो अवेयरनेस का इशू था हमारा, मेरे ख्याल में ईरानियन का हमारी तरफ है और हमारा ईरानियन की तरफ अवेयरनेस का इशू है, जैसे आपने मिलाद टावर देखा तो इस फुल ऑफ टेक्नोलॉजी के वो पूरे रीजन को वो वहाँ से अगर उसकी एक्सपोजिशन अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक नेटवर्क है। अगेन उनकी बजट एलोकेशन बड़ी जबरदस्त है, उनके टू एरियाज हेल्थ है सारे वो ज्यादा अमीर है। एक एलोकेशन के अलावा आप देखें कि उनकी सड़कों की सफाई आपने देखी है कितनी अच्छी बनी है, पक्की सड़कें हैं, कहीं पे कोई गंद नजर नहीं आता, सफाई है। और रात के वक्त सिक्योरिटी का ये आलम था कि आपने देखा होगा कि इस महान में हम गए थे तो रात के वक्त कपल्स, लोग, फैमिलीज आके पार्क में खाना खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से। एक उनका सीओ से पुल है इस्फहान में जहाँ पर वो 35 पिलर्स के साथ बनाए गए और 400 ईयर ओल्ड है और अभी भी वर्किंग है। वो कह रहे हैं कि आज से 60-70 साल पहले तक, हालांकि बना वो घोड़ों के लिए था, 70 साल पहले तक ट्रैफिक भी चलती थी।